माय सर डॉक्टर वकील अहमद एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन साइंस उगा हॉस्पिटल बरेली। आज हम बात करेंगे COVID-19 के बारे में एंड इसके जो नए वेरिएंट्स हैं उसके बारे में। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो COVID-19 इज़ ए एक्यूट मैनेजेबल इम्यूनोजेनिक थ्रोम्बोजेनिक वायरल डिसीज। क्योंकि अभी पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ है तो हमें प्रिकॉशन लेते रहना है। इसके लिए कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं लाइक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट हैं एंड पेशेंट विद क्रॉनिक कोमोबिडिटीज़ हैं, CKD है, ठीक है, हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, कैंसर पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जो पेशेंट स्टेरॉयड ले रहे हैं वो, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और नए वेरियंट्स के बारे में बात करें तो COVID-19 XE वेरियंट जो कि अभी कुछ कंट्रीज़ में लाइक USA, UK और हमारे इंडिया में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बारे में बात करें तो इट इज़ ए सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन जो लास्ट टाइम अभी विंटर में जनवरी में थर्ड वेव इसकी वजह से हमारे कंट्रीज़ में था, तो ये उसी का एक सब वेरिएंट है। अभी तक जो रिसर्चेस जो डाटा अवेलेबल है उसकी ट्रांसमिशन थोड़ा कुछ ज़्यादा है, 2-10% ट्रांसमिशन है ओमिक्रॉन से कुछ ज़्यादा है। और बाकी अभी रिसर्चेस ऑन गोइंग है, TBRT है, कुछ अलग सिम्टम्स हैं और रिसर्चेस अभी जारी हैं। और इसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स हैं जैसे कफ, कोल्ड है, सोर थ्रोट है, थ्रोट पेन है, स्क्रैची थ्रोट है एंड स्किन में भी कुछ डिसकलरेशन है या स्किन इरीटेशन है, कुछ GI सिम्टम्स हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर डिसीज सीवियर है तो सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हम अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड 2 डोज हैं, वैक्सीनेशन लें। उसके बाद जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है लाइक सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, ये करें। और जो हाई रिस्क ग्रुप है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बूस्टर डोज के लिए, अगर एलिजिबल हैं तो आप बूस्टर डोज ज़रूर लगवाइए क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन प्रोटेक्शन देता है। थैंक यू।